नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा ग्रुप डी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर एक। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हरियाणा डी ग्रुप के लिए इस मैथ की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। आपको करना क्या है, रकम को पढ़ना है और वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन करना है और फिर मेरे वाले आंसर से मिलाकर देखना है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए का दाम बी के दाम से 25% कम है, तो बी का दाम ए के दाम से कितना ज़्यादा होगा? तो अब वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को निकाल के देखें। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन निकाल लिया होगा। चलिए फिर मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ। आपको ना एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको याद रखना है 16 से 2/3, 20%, 25, 33 से 1/3 और 50। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए का दाम बी के दाम से 25% कम। क्या है यहाँ पे कम? अगर यहाँ पर कम दे रखा है तो हम कर देंगे ज़्यादा। तो अब देखिए 25 कहाँ पे है, ये रहा, इससे ज़्यादा, यानी इससे अगला अंक कौन सा है, 33 सही 1/3। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3, आंसर सी। ठीक है, अगर यहाँ पे ज़्यादा दिया होता तो हम क्या करते, एक कम ले लेते, तो 25 से कम क्या है 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाता 20। ठीक है, सिंपल सी बात है। करना क्या है, अगर यहाँ पे कम दे रखा है तो हम ज़्यादा ले लेंगे, अगर यहाँ पे ज़्यादा दे रखा है तो हमारा आंसर कम आ जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो यहाँ पे 25 दिया होगा या दिया होगा 20, और यहाँ पे कम या ज़्यादा पूछ लेगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 11 छात्रों के गणित में प्राप्त अंक 40 51 55 58 65 65 68 69 69 72 हैं। छात्रों के प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? तो माध्यिका निकालने का एक आसान सा तरीका है, पहले तो देख लो कितने अंक है ये 11, 5 तो इस तरफ के छोड़ दो और 5 इस तरफ के छोड़ दो, बीच में क्या बच गया 60, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर ये अंक सम में होते, जैसे अब तो 11 हैं, अगर ये 12 होते तो हम क्या करते, 5 इस तरफ से छोड़ देते, 5 इस तरफ से, जो बीच में बच गए छठा और सातवां, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते, जो भी आता वो हमारा आंसर हो जाता। तो अब हमारा आंसर क्या आया 60। तो देखिए 60 कौन से ऑप्शन में है, तो 60 है ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर क्या हो गया सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 600 रुपये लगाए जाते हैं, तो धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा? तो निकालिए इसको। चलिए फिर मैं बताता हूँ एक सिंपल सा आसान सा तरीका इसका। यहाँ पर कितने प्रतिशत है, 5, मूलधन यानी मूल संख्या कितनी होती है 100, और ये कितना है 5%। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस 100 को 5 से भाग कर देंगे, 5 × 2 = 10, 0 की 0, तो कितना आ गया 20, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आ गया आपको समझ में, कुछ नहीं करना, मूलधन यानी मूल संख्या कितनी होती है 100, और ये कितना प्रतिशत है 5, तो 5 से भाग कर देंगे, जितना आएगा उतने वर्ष हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं, एक महिला एक दिन में एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य करती है, 10 महिलाएं वह कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो देखिए इसने क्या बोला है, एक महिला एक दिन में एक पुरुष के द्वारा किए गए कार्य का आधा करती है, यानी जो काम एक पुरुष एक काम को एक दिन में करता है तो वही काम महिला कितने दिन में करती है, 2 दिन में। कहने का मतलब ये है, एक पुरुष किसके बराबर है, 2 महिलाओं के, इतना क्या आपको समझ में। और इसने क्या पूछ रखा है, 10 महिलाएं वह कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है महिलाएं, जो पहली लाइन है ना ये, इसमें क्या 6 पुरुष, इसके भी क्या बना लेंगे महिलाएं। तो देखिए एक पुरुष बराबर है 2 महिलाओं की, तो 6 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर होंगे, 12, जो 6 पुरुष हैं ये किसके बराबर हो गए, 12 महिलाओं के।
12 जमा में 8 और ये 10 हो जाएगा गुणा में। 12 जमा 8 20, और 20 की 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200, यानी कुल काम करना 200 और महिलाएं कितनी हैं 10, तो 10 से भाग दे देंगे, जीरो से जीरो कट गई, कितना आ गया 20, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 20 किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर क्या हो गया ए। तो अगला क्वेश्चन है 40 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग बराबर में 10 गुणा क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या आएगा। देखिए 40 का वर्ग कितना होता है 1600, माइनस में 30 का वर्ग 900, 1600 में से 900 गए कितना हो गया 700, ठीक है, और 10 दे ही रखा है तो हमें 10 दे रखा है, 10 कर देंगे बटे में, जीरो से जीरो कट के कितना आ गया 70, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कोई व्यापारी 1540 रुपये की दर पर रेडियो बेचता है, एक रेडियो पर उसे 12% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 12% की हानि होती है, तो दोनों रेडियो के विक्रय पर उसे कितना लाभ या हानि होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक रेडियो 1540 में बेचा तो दो रेडियो कितने में बेचेगा, गुणा में दो, 3080 में, ठीक है, ये तो उसने 3080 में बेच दिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है उसने खरीदे कितने में थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 1540 है गुणा में प्रॉफिट कितने का हुआ था 12% का, तो बटे में कर देंगे 112 गुणा में 100 प्लस में 1540 गुणा में फिर क्या हुआ 12% का लॉस, तो 100 गुणा में 88, इसको काट देंगे तो देखिए 14 8 112, 14 1 14, 14 1 14, 0 की 0, और फिर कट गया 2 पे 2 चौके 8, और इधर आ जाएगा 55, और फिर 4 से काटेंगे यहाँ पे आ गया 25, 55 गुणा 25, और आगे प्लस में 22 चौक 88, और 22 7 154, 4 से काटेंगे तो क्या आ गया 25, तो हमारे पास क्या आ गया 55 गुणा 25 जमा में 70 गुणा 25, अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1375 जमा में और 1750, 1375 जमा 1750 कितना हो गया 3125, 3125, और इसकी दो बार गुणा करने से कितना आया था 3080, घटा देंगे इसको तो कितना आ गया 5 का 5, 80 ले 1, 12 में से 8 गए 4, तो कितना आ गया 45, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये किस ऑप्शन में है 45 देख लेते हैं, ये है ऑप्शन सी में भी है और डी में भी। अब देखिए खरीदी कितने में थी 3125 में, और बेची कितने की 3080 की, तो प्रॉफिट होगा या लॉस, लॉस होगा ना 45 का, तो क्या हो जाएगा 45 का लॉस यानी हानि, आंसर क्या होगा डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी और सी किसी कार्य को 7, 14 और 28 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले ए बी और सी लिख लो, और उसके बाद उसके कार्य 7, 14, 28, अब ऐसी संख्या लेनी है हमें जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाए, तो ऐसी संख्या क्या आ गई 28, 28 को 7 से भाग किया तो 4 आ गया, और फिर 28 को 14 से भाग किया तो 2 आ गया, और 28 को 28 से भाग करेंगे तो 1 आ गया। अब हमें करना क्या है, जो 28 है ना ये तो हो गया कुल काम, और ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 4 जमा 2 जमा 1, यानी 7 काम करते हैं वो एक दिन में, तो 28 काम कितने दिन में करेंगे, सिंपल है 28 बटे 7, 7 चौक 28, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4। अब देखो 4 दिन किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी में, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से 24.5 बटे 0.5 के कौन से निकटतम है, तो निकालिए इसको। चलिए फिर मैं बता देता हूँ हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब हमारे पास बच गया 245 बटे 5, 5 से काट देंगे
पाँच चौका 20, 5 नीम 45, तो क्या आ गया 49। अब देखो 49 किसके पास है, ये किसके पास है 50 की, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी है ना, बिल्कुल इजी। तो अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 2 वर्ष में 1452 तथा 3 वर्ष में 1597.20 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। सिंपल है, हमें करना क्या है, जो दूसरे वर्ष का ब्याज है और तीसरे वर्ष का, इसका अंतर देखो कितना है, 1597.20 में से 1452 गई तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 145.20। अब हमें कुछ नहीं करना, बटे में दूसरे वर्ष का ब्याज लिख के गुणा में 100 कर देंगे, कितना है 1452 गुणा में 100। अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो बटे में क्या हो जाएगा 20 यानी 100। अब इसे काट दो, 100 से 100 कट गया, 1452 को 14520 से काटेंगे तो कितना आएगा 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। और ये 10 किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन ई। तो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 0.25% ज्ञात करने के लिए संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना होगा, आता आपको, वीडियो को पॉज करिए और इसे करिए, नहीं आता तो मैं करा देता हूँ। ये क्या है 0.25, ठीक है, अगर हम पॉइंट को हटा दें तो क्या हो जाएगा 25/100, ठीक है, प्रतिशत का नाम का भी क्या आ जाएगा 100। अब देखिए नीचे कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, इसके बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, और फिर जीरो लगाओ ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो आया ना हमारे पास 0.0025, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर डी में, तुम्हारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिष्ठान के 30 कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन का औसत 650 रुपये है, यदि इसमें मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाता है तो औसत 50 बढ़ जाता है, तो मैनेजर का मासिक वेतन क्या है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिएगा, कार्यकर्ता कितने हैं 30 और औसत कितना है 650, हम क्या करेंगे इनकी गुणा कर देंगे, 30 गुणा में 650, 2 जीरो की 2 जीरो, 5 3 15, 6 3 18, 18 और 1 19, तो क्या आ गया 19,500, ठीक है। अब उसने क्या बोला, मैनेजर के आने से कितना वेतन बढ़ गया 50, यानी पहले 650 था, अब 50 बढ़ के कितना हो गया 700, पहले व्यक्ति कितने थे 30, अब मैनेजर और आ गया तो कितने हो जाएंगे 31, तो हम 31 की गुणा कर देंगे 700 से, तो कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 21,700, ठीक है। अब इसने पूछा मैनेजर का वेतन क्या होगा, 30 व्यक्तियों का वेतन तो इतना था 19,500, मैनेजर के आने से कितना हो गया 21,700, अगर हम 21,700 में से 19,500 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैनेजर का वेतन, तो घटा दो, 21,700 में से 19,500 गया तो कितना आ गया 2,200, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो 2,200 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर बी। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करें। और अगर आप HSSC के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने HSSC के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी है, चाहे वो आपका हरियाणा डी ग्रुप का एग्ज़ाम हो, या हरियाणा पुलिस का हो, या लैब अटेंडेंट का हो, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो जो HSSC से रिलेटेड है, उसके लिए हमने 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।